एक आउट क्लास लीडर अपनी मंजिल तक पहुंचने में दुश्मनों को दोस्त बनाता है, दुश्मनों के दिलों में रोब डालता है, स्पिरिचुअल रोब डालता है। लीडर होता ही वो जो खौफ को भी उम्मीद में बदलता है, नफरत को मोहब्बत में बदलता है। मगर अगर इस वॉक के अंदर आपने दोस्तों को दुश्मन बनाया, भाइयों को गैर किया, अपनों को गैर किया, इस जिस्म को अपने आप से चिड़चिड़ भाई, अपने इल्म को जहालत बनाया, अपने अमल को कसलान और कमजोरी बनाई है, और अल्लाह को अपना दोस्त नहीं बनाया, और लोगों को अपना रिसोर्स नहीं बनाया, और अपने घर वालों को अपना रिसोर्स नहीं बनाया, आई थिंक सर ये वी हैव फेल्ड एक्चुअली, हार गए। दो तीन किले फतह करके ये कोई जीत नहीं होती, जीत ये होती है जो काम किया है वेस्टर्नर्स ने भी किया। और दुख की बात मेरे लिए पर्सनली एज अ स्टूडेंट ये है कि देखें, जब आपका एक फील्ड के अंदर लॉग बुक होता है ना, 600-700 साल का लॉग बुक हो, तो वैसे ही आपको हराना बहुत मुश्किल होता है। इंसान की हर फैसेट के ऊपर इतना काम है मुसलमानों का 600-700 साल पे, मतलब बात ही नहीं कर सकते कोई हमसे, इतने चीते थे हम लोग, वो सो गुड। उसकी जीत को माने सर कि उसने आपके नीचे लग के आपसे निकाल के उसको रिफॉर्म करके उसको ट्रांसफॉर्म करके आपके ऊपर फिर बैठा है वो आके। साइंस, मेडिसिन, फिलोसफी, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, देयर गुड, देयर रियली गुड। शिकस्त मानेंगे तो जीत मिले। ये जो इंतजार चल रहा है ना कि आसमानों से कोई बड़ी सुपर नेचुरल हेल्प आ जाएगी और उम्मत रिफॉर्म हो जाएगी, मुल्क भी रिफॉर्म, मेहनत करनी पड़ेगी, इल्मन भी, अमलन भी, तस्कियतन भी, तालीमन भी, हिकमतन भी। You have to work on yourself. You have to work. You have to face the monster. In fact, Surah Yusuf ka ek bada khoobsurat tohfa aapki khidmat mein pesh karke aapse ijazat dunga. Jab duniya mein sabse mushkil tareen kaam insaan karne jata hai na, to sabse gandi galeez awaaz jo usko aati hai na, uski in walk of his life towards being actualized is yourself. Inna nafsa la ammaratun bisu. Ye jo nafs hai na insaan ka. Oh, duniya. Isliye kehte hain al jihadu bi nafs kana akhbaru min al jihad bi sayf. The fight with your own perception. अपने आप से जंग तलवार के साथ जंग से ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये मैदान जंग में भी धोखा देता है तो इंसान को ये नफ्स देता है इसका। आपकी फील्ड के अंदर रोज आप अगर नहीं सोच रहे, आप अगर काम नहीं कर रहे, तो याद रखें कोई आपके खिलाफ जरूर काम कर रहा है, एंड यू विल बी रिप्लेस्ड, ये सीट निकल जाएगी आपके पास। तो एक लीडरशिप होती है पहुंचने का नाम है, और एक लीडरशिप है रिटेन करने का नाम, और एक लीडरशिप है नेक्स्ट जंप लेने का नाम। और इन पे ये प्रीरेक्विजिट्स होते हैं। कुछ लोग गेंडे की तरह काम करते हैं, सर दे देते हैं, और कुछ लोग इतना इल्म पढ़ लेते हैं मगर हिलना कख नहीं, दे डोंट मूव, दे डोंट डू एक्सरसाइजेस। सो यू हैव टू वर्क ऑन द टेक्निक्स एंड यू हैव टू वर्क ऑन कंसिस्टेंसी, एक्सरसाइजेस, एंड इंशाल्लाह ताला एक टाइम आएगा आपको इतनी एफिशिएंसी आप में आ जाएगी और इतनी इफेक्टिवनेस होगी कि आपके 4-5 काम तो रस्ते में ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, और आप देखिएगा आपको मिरेकल्स मिलेंगे। और असल ग्रोथ, असल रिस्क, असल इंकलाब ग्रे में होता है, ग्रे में, कुछ डिफाइंड नहीं होता। पाकिस्तान को भी आपने अगर वर्ल्ड टाइगर बनाना है सर, ग्रे में है ये, ब्लैक एंड व्हाइट जो है कि मैं इस जैसा मुल्क बन जाऊं, मैं इस जैसा मुल्क नहीं बनता। पाकिस्तान अपने अंदर एक सैंक्टिटी है पूरी, इट्स अ सैंक्टिटी इन इटसेल्फ, जो किसी की कॉपी पेस्टिंग करके नहीं बनाता, ये एक सोच थी आइडियोलॉग्स की, ये वही करेगा जिसके ऊपर इसके बाप ने बनाया था इसको, वो ग्रे में ही बना था ये एक ग्रे ख्वाब था किसी का, ये सोच भी नहीं थी कि ये हो सकता है कभी। उस ब्रिटिश साम्राज्य के बाद हमने लोगों से लेना शुरू कर दिया, नहीं सर लोगों से ली जाती है मैक्रोस, मगर लीडर ग्रे में पैदा होता है सर, और अकेला होता है सर, एक बड़े अरसे तक वो डिस्कवर्ड ही नहीं होता। जो यहाँ पे सीनियर्स बैठे हुए हैं वो जानते होंगे, वो अगर आज किसी मकाम पर हैं उन्हें पता होगा, दे नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। और ये बहुत प्यारा सा और बड़ा तकलीफ दे और बड़ा स्वीट तकलीफ दे सफर है क़यादत का, इमामत का, समझ ही नहीं सकता इसको कोई। बहुत खूबसूरत है रोड के पार, नहर के पार, दरिया के आगे का बहुत खूबसूरत मंजर है, मगर यू हैव टू डू दिस वॉक। इसलिए द मोस्ट सिग्निफिकेंट वॉक ऑफ लाइफ इज द वॉक अलोन। अकेला चलता है आदमी, उसके फिर एक काफिला आता है उसके साथ, फिर आइडियोलॉग्स आते हैं, देन ही मीट्स द राइट पीपल। और आज अगर आपके साथ सही लोग नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह इस तन्हाई को ऑनर करें, अल्लाह ने बड़े क्लास के लोग लाने आपकी लाइफ के अंदर, इसलिए आपके साथ गंद कचरा लैदा कर दिया आपसे। आपको जो टीम देनी है अपनी फील्ड के अंदर अल्लाह ने, वो आउट क्लास टीम देनी है, इसलिए अल्लाह वो इम्प्योरिफिकेशन खबीस में से तैयब को अलहदा करता है। वेट फॉर योर टाइम, इट्स कमिंग टू यू, स्टिक देयर, स्टे देयर। कौमें आएंगी, कौमें चली जाएंगी, फजूल। अगर आप पॉजिटिव विजन के साथ चल रहे हैं अपनी लाइफ में, आपकी क़यादत को अगर यू नीड द बेस्ट टीम आउट देयर, इट्स गोना कम टू यू, वेट फॉर इट। अल्लाह भी यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुछ देर कुएं में रखता है, कुछ देर जुलैखा के महल में रखता है, और कुछ देर जेल में रखता है, और फिर बादशाह देती है। एक्चुअलाइजेशन ग्राइंड होके आती है, कट मर के आती है, इम्प्योरिफिकेशन को खत्म करके आती है, टाइम लगता है उसके अंदर, और उसके बाद फिर अल्लाह दिखाता है सम्राट के, और उसके बाद भी चेक करता है बंदे का पुत्र है या नहीं है, इंसान है या नहीं अभी भी, क्योंकि लेके अल्लाह इतनी बड़ी आजमाइश नहीं लेता जितनी दे के करता है। क्योंकि जब भी इस कौम को, जब भी इंसान, कौम भी नहीं, इंसान के माइंडसेट को जब भी रिसोर्सेज मिले हैं,
उसने फिरौनियत का दावा किया, वो बैलेंस से हटा है हमेशा। और द मोमेंट आप बैलेंस से हटे हैं, आपकी लीडरशिप जो है इट्स डिस्ट्रॉयड ओवर देयर। आप रिसोर्स भी जाया करेंगे, आप इंटेलेक्ट भी जाया करेंगे, आप अहल को भी ऊपर नहीं आने देंगे, आप मेरिट को भी खत्म कर देंगे, आप सब कुछ खत्म करने के बाद फिर रोना भी एंड में होगा, ना अल्लाह ने कुछ किया, ना बंदे मैंने चंगे मिले, आई नेवर फाइंड द राइट पीपल, आई नेवर फाइंड द राइट गॉड एंड आई नेवर फाइंड द राइट माई सेल्फ। ये कंप्लेन बॉक्स बन के आप देख लें, ना किसी ने पाकिस्तान की गलियां साफ करनी है, ना किसी ने पाकिस्तान का कचरा उठाना है। आग आज भी ठंडी हो सकती है, इब्राहिम लेके आना है बस आपने, व्हाट इकबाल सेज, यू नीड टू ब्रिंग अ मूसा, तूर इज रेडी फॉर यू। आपको अपने फन के अंदर इमाम बनने के लिए जो चीज रोक रही है वो आपका अपना आप है। यू आर द बिगेस्ट एनिमी यू गोना फेस अगेंस्ट योरसेल्फ। इट इज नॉट द वर्ल्ड, नॉट द पीपल, नॉट द रिसोर्सेज, नॉट योर कलीग्स एंड नॉट द कंपनी। ये तो बना ही आपके लिए, फॉर यू टू हार्नेस इट, कंट्रोल इट, मोल्ड इट, नेल इट, बी हम्बल एंड कैरी फॉरवर्ड। कई सुनी बात में गलती हो, माफी चाहता हूँ, माजरत चाहता हूँ। वाखर दावाना अलहमदुल्ला रब्बिल आलमीन, जज़ाकअल्लाह।